महिला कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 2022 के प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरह महिला कांग्रेस ने कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया, उसी तरह सुक्खू सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम कर 2024 में लोग कांग्रेस को बहुमत देकर सत्ता में काबिज करेंगे। यह बात शिमला में महिला कांग्रेस प्रभारी सुनीता शेखावत ने कही कि ऐसा है, आज हमारी महिला कांग्रेस की स्टेट एग्जीक्यूटिव है, आज हमारी मीटिंग है स्टेट एग्जीक्यूटिव, तो उसमें हम महिलाओं को, हमारे सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ अपनी महिलाओं को, जो कि हमारी महिलाओं ने जो इलेक्शन हमारे विधानसभा के हुए हैं, सरकार आई है, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत काम किया। हर ब्लॉक प्रेसिडेंट ने, हर बूथ प्रेसिडेंट ने और हमारी बूथ से लेकर स्टेट लेवल तक की महिलाओं ने इलेक्शन में बहुत काम किया है, और जिसका कि रिजल्ट है कि आज हमारी सरकार है हिमाचल प्रदेश में। और मैं अपनी सभी बहनों को बहुत बधाई देती हूँ और आप सब लोगों को भी बधाई देती हूँ कि हम आज हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है। और संगठन देखिए, संगठन एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण ऐसा वो है कि जिसके बिना चाहे हमारी सरकार आ जाए तब भी हमें संगठन को हमेशा दुरुस्त और चुरुस्त रखना जरूरी है। तो आज हमारी महिलाओं ने जो हमारी गारंटी थी, आज हमारी महिलाओं का काम है वो गारंटी जो हमारी, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे डिप्टी मुख्यमंत्री जी और हमारी पूरी कैबिनेट और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने और हमारे जो नेशनल लीडर्स ने जो भी मैनिफेस्टो, जो भी गारंटियाँ हमारी इलेक्शन से पहले रखी थी, आज उन सब गारंटियों पे, मैनिफेस्टो पे अच्छे से अमली जामा पर नहाया जा रहा है। तो आज हमारी महिलाओं का काम है कि जितनी भी हमारी ये गारंटियाँ हैं उनका प्रचार प्रसार करें, घर घर बताएं उनको कि हमारी ये गारंटी हमने लागू करती है उसमें, और दूसरा संगठन को मजबूत करने पे बल दिया जाएगा। आगामी लोकसभा के चुनाव है जिनमें कि हमारी महिलाओं ने जैसे विधानसभा में काम किया ऐसे ही वो लोकसभा में काम करेंगी, और अपनी अपनी बूथ कमेटियाँ, अपने इलाके में ब्लॉक, जिला, उन सब को मजबूत करने की, अभी पहले भी मजबूत है और भी ज़रूरत है, क्योंकि आगे में हमारा 24 में ऐसा है कि कितने सालों से केंद्र में सरकार है बीजेपी की, वो हमेशा कभी कहीं कोई मुद्दा ले आती है इलेक्शन से पहले, कभी कोई मुद्दा ले आती है, बात उसकी नहीं है, बात ये है कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर ये मुद्दा आप सीरियसली वो करते हैं तो इलेक्शन से इतना पहले क्यों करते हैं? वैसे हम, हमारे हाई कमांड का जो वो होगा वो हम लोगों का भी होगा, हमारा हाई कमांड इसके पक्ष में विपक्ष में है तो हम लोग भी उसी में ही है, हमारे हाई कमांड हमारा जैसे करेगा वैसे ही हम लोग भी वैसे ही करेंगे। पर ये राजनीतिकरण है बीजेपी का, वो कभी धर्म को आगे लेके आती है, कभी वो किसी तरह के मुद्दे उठा के लेके आती है, ये सब उनका स्टंट क्या है के इलेक्शन 24 का, तो वो राजनीति नहीं करनी चाहिए उनको। मैम 24 के लिए एंस्टा न्यूज ने शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। ये सब प्यार है।